नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का महाज्ञान प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का मेरा मुख्य विषय है कि आचमन से मिलती है पांच तीर्थ की पवित्रता। आज का महाज्ञान इसी पर आधारित है और हम सब जानते हैं कि पूजा के पहले आचमन करना क्यों जरूरी है, कैसे करें आचमन और इसके क्या लाभ होते हैं। पूजा घर में जल से भरे तांबे के पात्र या कलश में हम तुलसी मिलाकर रखते हैं और उसमें तांबे की ही चम्मच नुमा एक आचमन, या आपको पता होगा चम्मच जैसे बनती है, उसे रखते हैं। तुलसी जल को पवित्र करने के लिए मिलाई जाती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले मंत्र बोलते हुए 3 बार हम जल पीते हैं, यही आचमन कहलाता है। घर में पूजा अनुष्ठान के समय पंडित जी भी हमें संकल्प के साथ आचमन करवाते हैं। यह आचमन केवल औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि पवित्रता प्रदान करता है। आचमन से पूर्व पवित्रकरण किया जाता है। इसके लिए आप क्या करिए कि लेफ्ट हैंड में थोड़ा जल लीजिए और जल लेने के बाद ये जो बीच की 2 उंगली होती है, इससे आँखों पर, कान पे, कंठ पे, पूरे शरीर पर छिटा दीजिए। इसके लिए आप क्या मंत्र बोलेंगे कि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह पठेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य भयंतर शुचि। अंदर बाहर की शुद्धता के लिए है और ऐसा जाप करते हुए जल को आंखों, नाक, कान और सिर पर लगाया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारी हथेली में 5 तीर्थ, पहला तीर्थ देवतीर्थ, दूसरा पितृतीर्थ, तीसरा ब्रह्मतीर्थ, चौथा प्रजापति और 5वां सौम्य तीर्थ माने जाते हैं। अंगूठे के मूल में ब्रह्मा, कनिका के जो कनिका अंगुली होती है कनिष्ठिका, उसमें उसके मूल में प्रजापति और अंगुलियों के अग्र भाग में देवतीर्थ, तर्जनी व अंगूठे के बीच में पितृतीर्थ और हाथ के मध्य यानी हथेली में सौम्य तीर्थ होता है। पवित्रीकरण करते समय हम दाएँ हाथ से बाएँ हाथ में जल, याद रखिएगा, दाएं हाथ से बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से दोनों कान, आंख और नाक सब जगह लगाते हैं। दोनों आंखों से जब जल स्पर्श करते हैं तो सूर्य नासिका का स्पर्श करने से, वायु दोनों कानों से जल स्पर्श कराते हैं से सभी ग्रंथियां तृप्त हो जाती है यानी संतुष्ट हो जाती है। मस्तक पर जल लगाने से शिव प्रसन्न होते हैं और फिर 3 बार आचमन करने से जल पीते हैं। 3 बार क्यों? क्योंकि पहले आचमन से ऋग्वेद, दूसरे से यजुर्वेद और तीसरे से सामवेद की तृप्ति होती है। इसीलिए अगर आप नियमित पूजा पाठ करके अपने आप को स्नानाधिकारियों से शुद्ध होकर सर्वप्रथम दीप जलाएं और दीप मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशकम दीप ज्योति नमोस्तुते मंत्र बोलें और इसके बाद आचमन कर ही पूजा प्रारंभ करें, निश्चित रूप से आपको पूजा में एकाग्रता और सुख शांति समृद्धि जरूर मिलेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि मैं रोज़ाना की तरह आपको आज भी संतुष्ट कर चुका हूँगा। आप ऐसे ही हमारे महाज्ञान से जुड़ें, इसे शेयर करें लोगों से ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, प्यार भरा आशीर्वाद।